हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए फिर से हम बहुत सारे एसक्यूएल फोड़ते हैं। ऑलरेडी एसक्यूएल के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मैं, प्लीज़ वो वीडियो देखना। और अगर आपने एसक्यूएल का सेटअप नहीं किया है, अपना डेटाबेस सेटअप नहीं किया है, तो किक स्टार्ट वाला वीडियो देख लेना, ठीक है? आई बटन में दे दे रहा हूँ, किक स्टार्ट वाला वीडियो देख लेना और फिर वापस से इस वीडियो में आना और फिर एसक्यूएल फोड़ेंगे। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और एसक्यूएल फोड़ते हैं। ऑलरेडी 60 क्वेश्चन कर चुका हूँ, दिस इज 61st क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, मोटिवेशन बहुत मिलती है, तब तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है, ठीक है? थोड़ा मैंने छुट्टी ले रहा था टाइम बीच में थोड़ा, बट अभी फिर से वापस से वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ना यार, कम से कम वीडियो में आग लगाओ, मैं इतना आग लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो 61st क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 61st क्वेश्चन, डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हुआर। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। आप क्या करना है, हर समय डेटाबेस नेम लिखना है, फिर उसके बाद स्कीमा नेम लिखना है, उसके बाद टेबल नेम लिखना है, ठीक है? यहाँ पे मैं बस स्कीमा नेम लिख रहा हूँ, डेटाबेस ऑलरेडी चूज़ कर रखा है, तो EMP टेबल यूज़ कर रहे हैं। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम scott.dept, ये डिपार्टमेंट टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम scott.salgrid, ये तीसरा टेबल है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट यहाँ इस क्वेरी के या इस क्वेरी के कहीं पर भी आप रह करके कंट्रोल एंटर दबा देंगे DBWR में, तो वो क्वेरी रन कर देगा। यहाँ पे आप कहीं भी रहिए, रन करेंगे तो एम्प्लॉय वाला ये जो क्वेरी है इस सेमी कोलन लेके इस पुराने सेमी कोलन तक वो क्वेरी रन कर देगा, ठीक है? आप ऐसे सेलेक्ट करके भी यहाँ पे रन कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी रहते हुए यहाँ पे आप ये रन कर देंगे तो ये क्वेरी रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे रन किया और एम्प्लॉय का वाला रन हो गया, ठीक है? यहाँ पे मैं कहीं भी आऊँ और ये मैं रन कर दूँ तो सैलग्रेड वाला रन हो जाएगा, यहाँ डिपार्टमेंट रन हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे 60 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 60th क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं वापस से, ठीक है? डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट 10 विद सैलरी ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट 10। यहाँ पे डिपार्टमेंट 10, ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट 10, ये थोड़ा भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, ये सफिस हो गया। तो सेकंड कंडीशन है विद सैलरी ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे सब क्वेरी पे फोकस कीजिए, बस सब क्वेरी पे फोकस कीजिए, कहीं और फोकस मत कीजिए। सेलेक्ट सैल फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, मतलब डिपार्टमेंट 10 का इन्फॉर्मेशन निकाल कर वर्किंग इन एनी अदर डिपार्टमेंट, ठीक है? वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट 10 पे नहीं है। मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट 20-30 यूज़ कर सकता था, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू 10 क्यों किया है, क्योंकि कल को अगर डिपार्टमेंट 40-50 ऐड हो जाती है तो मेरा क्वेरी जो है वो फेल हो जाएगा। मेरी क्वेरी फेल नहीं होनी चाहिए अगर डेटाबेस में कुछ भी चेंज हो, ठीक है? अनदर डिपार्टमेंट, वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट, ठीक है? किसी भी डिपार्टमेंट में हो बट डिपार्टमेंट 10 का नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या है, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10, ठीक है? ये क्वेरी लिख लिया। अब यहाँ बोल रहा है सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन अनदर डिपार्टमेंट। या अनदर डिपार्टमेंट वाली सब क्वेरी है एनी, ठीक है? यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये मैंने रन किया, तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉय क्या हैं, ठीक है? ये एम्प्लॉय जो हैं, ये एम्प्लॉय का जो सैलरी है, ये एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो, पहली बात तो ये एम्प्लॉय जो हैं डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं लिखाएंगे, ईनेम DPT नंबर सैल, हाँ बस इतना ही दिखाते हैं, ठीक है? तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट 10 है, डिसीजन जो कंडीशन था करेक्ट है। फिर सैलरी ग्रेटर देन एनी एम्प्लॉय हु इज वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10, ठीक है? जो डिपार्टमेंट 10 में नहीं है उनके सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो किसी भी एम्प्लॉय, यहाँ पे डिपार्टमेंट 10 है, ये किसी भी एम्प्लॉय से ज़्यादा हो तो चलेगा, जो 10 में नहीं है 20 और 30 के। तो बेसिकली ये एक्चुअली क्या है बताएं, यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी लिख दोगे ना आप, ठीक है? यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी लिख दोगे तो ये एनी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। एनी कंडीशन मैंने समझाने के लिए लगाया है, अगर आप यहाँ मैक्स ऑफ सैलरी लिख दोगे। चलो मैं सेम क्वेरी मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है? सेलेक्ट ईनेम डिपार्टमेंट वेयर सैल, ये एनी हटा देते हैं, ठीक है? काम वही करेगा, सेलेक्ट
मैक्स नहीं नहीं, ये काम वैसे नहीं करेगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैक्स ऑफ सैलरी लेंगे ना तो वो मैक्सिमम सैलरी उठा लेगा जो डिपार्टमेंट 10 में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं काम कर सकता, ये एनी के में ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है, मेरी गलती है, ठीक है। यहाँ एनी के केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी अलग डिपार्टमेंट की किसी से भी ज़्यादा हो तो चलेगा, ठीक है। बट अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61st क्वेश्चन है ना, वहाँ देखना ध्यान से, उसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये सेम क्वेरी उठा लूँ, नहीं ठीक है, फिर से लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट 10, तो लिख लेते हैं, सेलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सैल, ये तीन चीज़ लिख रहा हूँ मैं, वैसे तो हमें बस वो चाहिए क्या, एम्प्लॉय नेम चाहिए, बट यहाँ ये भी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट नंबर सैलरी फ्रॉम ई एम पी वेयर डी ई पी टी, ठीक है, मेरे साथ साथ चलिए भाई, डी पी टी नंबर इक्वल टू 10, ये हो गया पहला कंडीशन हो गया, डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 10, पहला कंडीशन हो गया, विथ सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, वेयर एंड सैल इज ग्रेटर देन, ठीक है, अभी अदर डिपार्टमेंट का कैसे करेंगे, सेम कंडीशन है, सेलेक्ट सैल फ्रॉम ई एम पी वेयर डी पी टी नंबर नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे करके नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, ये सब क्वेरी है। तो यहाँ सैलरी नॉट इक्वल टू 10, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, मैं ले आता हूँ इसको ब्रैकेट में, थोड़ा लाइनिंग कर लेते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 10, बट ऐसा करेंगे तो ये क्वेरी चलेगी नहीं, ठीक है, ये क्वेरी चलेगी नहीं। यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज़ बोला गया, यहाँ पे ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ बोला गया, यहाँ पे क्या आएगा, ऑल आ जाएगा, तो ऑल यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब ऑल आ जाएगा। तो इसी सेम चीज़ को ऐसे लिख लेता हूँ, ये ऑल कीवर्ड के अलावा बिना ऑल कीवर्ड यूज़ किए हुए अगर मैं ये कर लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ और यहाँ पे ये मैक्स ऑफ सेल लिख दूँ तो भी ये क्वेरी चल जाना चाहिए, ब्रैकेट लगा के देखते हैं, चलना चाहिए, ठीक है, चल गया, एकदम चल गया, फैंटास्टिक चल गया, ठीक है, इस केस में चल गया, यहाँ पे डेटा कम है इसलिए इस केस में चल गया, बट हर केस में चले ऐसे की कोई गारंटी नहीं है। अगर इसको किया जाए एम्प्लॉय वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट्स की जगह और थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए तो आपको वो ऑल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बेसिकली ऑल कीवर्ड यूज़ करने के लिए, कैसे यूज़ किया जाए, कैसे कहाँ पे यूज़ किया जाए उसको समझाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय जैसा बोला गया है, तो इसको अगर हम ऐसा मैक्स कर देंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, जो हमें आंसर चाहिए यहाँ पे, जैसे आंसर आ रहा है किंग 1050, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ये आंसर आ रहा है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है, बट इस केस में सेम आ रहा है बट और किसी केस में सेम नहीं आए, तो बट यहाँ मेन चीज़ था ऑल जो कीवर्ड है वो यूज़ हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल कीवर्ड मैंने सिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय इन अपर केस, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शंस आएंगे, ठीक है, तो पूरा एकदम कैरेक्टर फंक्शंस आएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर फंक्शन समझा देता हूँ, करीब 10-15 क्वेरी सब पूरे कैरेक्टर फंक्शंस में, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर फंक्शन सिखाऊंगा। आई नो आप लोग गुस्सा करोगे, बोलेगे एक ही क्वेरी सॉल्व किया इस बार, बट वैसे सॉल्व एक ही क्वेरी किया है बट दो तरह से किया है, और पहला जो एनी था उसको भी समझाया है मैंने, ठीक है, तो कोई भी डाउट है ऑल और इन पे प्लीज़ इस पे कमेंट करना और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बट कब यूज़ करना है कम से कम याद रहना चाहिए, आपको पता तो रहना चाहिए तभी तो आपको पता रहेगा कि कब यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, और बाकी कैरेक्टर फंक्शन जो है बहुत जल्दी जल्दी मैं सिखा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है उसको, मैं नेक्स्ट पता है कुछ दिन में 3-4 दिन के अंदर मैं वीडियो ले आऊँगा, कोशिश कर रहा हूँ हर हफ्ते 1-2 वीडियो आते रहे, तो कम से कम 2 वीडियो 1 वीडियो तो आएगा ही आएगा, कोशिश कर रहा हूँ 2 वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, इतना मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, मैं देखता हूँ करीब 70% लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, अरे सब्सक्राइब कर दो यार, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, कम से कम मेरे को तो मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है
जिसमें मैं अपडेट्स देता रहूँगा। अगर वीडियो नहीं आए या कुछ भी है या कुछ नए चीज़ें सीखने मिला, कुछ पीडीएफ फाइल है, कुछ डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ आर्टिकल है तो इंपॉर्टेंट है, वो मैं शेयर करता रहूँगा। तो टेलीग्राम लिंक नीचे ज्वाइन कर लो, और प्लीज़ मेरे को टेकी कृष्णा काइकिंग के इंस्टाग्राम हैंडल में प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ फॉलो करना, टेकी कृष्णा काइकिंग करना या इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, जो बस टेक्निकल कंटेंट है वहाँ पे मैं शायद कुछ टेक्निकल कंटेंट्स ला सकता हूँ। अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है तो आप लोग प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना। और आपको मेरे को वन ऑन वन मेरे से बात करनी है तो प्लीज़ नीचे टॉपमेट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे वन ऑन वन सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। वो मोस्टली हर दिन मंडे टू लेके सैटरडे तक हर दिन 1.5 आवर आप लोगों के लिए बुक कर रखा है मैंने, जो भी आप बुक करेंगे। और यहाँ पे इस बार मैं अभी से लेके शायद पहले 10 लोगों को मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, 56% ऑफ का डिस्काउंट दे रहा हूँ। आप जो भी चाहे बुक कर सकते हो, TKK56 कूपन कोड है, TKK56। आप ये यूज़ करके अगर आप बुक करते हैं वन ऑन वन सेशन तो वहाँ पे 56% का ऑफ मिलेगा पहले 10 लोगों को, बस पहले 10 लोगों को ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको मज़ा आया है तो एकदम प्लीज़ ठोको, लाइक ठोको यार, लाइक ठोको, ठीक है। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए, जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आग लगाते हैं फिर से SQL में। चलिए, बाय बाय।